एक्सरसाइज 3.4 का दो क्वेश्चन हो चुका था हमारा, और हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन है थर्ड में? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 12x+3 डिवाइडेड बाय 6x² + 13x - 63 dx। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए लोगों को, आराम से काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है मेरा, थर्ड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 12x+3 अपॉन 6x² + 13x - 63। ठीक है, अब मेरे को फैक्टर निकालना है। न्यूमरेटर को मैं सेम रखूंगा 12x+3, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला हूं। तो 6 × 63 कितना हो जाएगा? 396। 96 का फैक्टर निकालना ऐसा है कि आपको 30 मिलना चाहिए, ऐड और सबट्रैक्ट करके। 2 = 198, 2 = 99, 3 = 33, 3 = 11, 11 = 1। फैक्टर आ गया। अब इसको कॉम्बिनेशन बनाओ, इसमें से 13 निकालो। 13 निकालता क्या देखो, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 11 = 13 होता है क्या? नहीं होता है। सर 63 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 378 है। यस सर, 378 है। मैंने रॉन्ग लिख दिया भाई, 378 है, ये हो जाएगा 189 ना, 189 इनमें से कोई पेयरिंग बनेगा, इनमें से कोई पेयरिंग बनाओ। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 नहीं हो रहा है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को 13 चाहिए सॉल्व करके, 13। सो कितना आएगा वो देखना है हम लोग को, 13 चाहिए। 27 + 14, 27 + 14, 2, 27, 2, 3, 3, 3 = 3, 3, 3 कितना हो गया? 27 + 14 = 27 + 14। ठीक है, ये बन गया हमारा नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको हमने कॉमन निकाला, तो न्यूमरेटर सेम ही रहेगा 12x + 3, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? कॉमन निकलेगा यहाँ पे, 3x कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा अंदर? 2x + 9, और यहाँ पे 7 कॉमन निकाल रहा हूँ, -7, कितना बचेगा अंदर? 2x + 9 dx। इतना क्लियर है? जो सेम उसको एक बार लिखेंगे हम लोग, क्या सेम है यहाँ पे? 12x + 3 सेम, ऊपर सेम रहेगा, नीचे जो सेम है उसको एक बार लिखो, क्या सेम है? 2x + 9 सेम है एक बार, और दूसरा क्या सेम है? 3x - 7 dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग को नीचे दो लीनियर फैक्टर मिल गए, तो आपको बता दें मैंने रैशनल फॉर्म क्या है दो लीनियर फैक्टर का, a / x - a + b / x - b। तो ये रैशनल फॉर्म को हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं,
तो वी आर गोइंग टू टेक दिस एज, इसको हम क्या लेंगे, a अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b अपॉन 3x माइनस 7, बराबर है, ये तो अच्छे से आ रहा होगा। तो देयरफॉर क्या कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पे, देयरफॉर हम क्या ले रहे हैं, 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 इनटू 3x माइनस 7, तो क्या लेंगे हम लोग यहां पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेंगे a अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b अपॉन 3x माइनस 7, क्लियर है, इतना समझ में आया। दो लिनियर फैक्टर्स थे, दो पार्शियल फॉर्म आएगा इसका। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट 12x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन 3x माइनस 7 प्लस b अप इनटू 2x प्लस 9, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गया इन टर्म्स ऑफ बोथ द साइड, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले a का वैल्यू कितना डालेंगे, पहले हम लोग 2x प्लस 9 को जरूर लेंगे ना, a का वैल्यू निकाल लेंगे, बताया था मैंने आपको ये, सो पुट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 को 0 पुट करते हैं, दैट इज x कितना हो जाएगा यहां पे, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, x कितना आएगा मेरा, माइनस 9 बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये रहेगा a, 3 टाइम्स विल बी एज इट इज, x कितना है मेरा, माइनस 9 बाय 2 माइनस 7, ठीक है, और यहां पे 9 बाय 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, b विल बी 0, यहां तक समझ में आ रहेगा सबको, और 2 1 का 6 जा 6 इंटू माइनस 9 माइनस 63 प्लस 3 कितना आएगा, माइनस 60, तो यहाँ पे तो आ गया आपका माइनस 60, एक बार फिर से देख लो, 2 1 जा 2 6 जा 6 9 जा 54 होता है, माइनस 54 प्लस 3 51 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51 माइनस 51, ठीक है, माइनस 51 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस 27 और माइनस 14, माइनस 41 अपॉन 2, 102 और 41 ऐसा कुछ आएगा आंसर, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया मेरा माइनस 41 अपॉन 2 ए, यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिलेगा, देयरफॉर ए मिलेगा हमको, माइनस माइनस कैंसिल, ए विल बी 102 अपॉन 41, ये मिल गया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना मिला, 102 अपॉन 41, अब ए मिल गया तो बी निकालते हैं, तो बी के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 7 को जरूर लेंगे, सो फॉर बी वी आर गोइंग टू पुट 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो फॉर बी वी आर गोइंग टू पुट 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इज x का वैल्यू कितना डाल रहा हूं मैं, दैट इज x का वैल्यू डालता हूं 7 बाय 3 कहां पे, इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू डालता हूं 7 बाय 3 इन इक्वेशन 1, पुट करो 1 का 7 बाय 3 x के जगह पे, कितना आ जाएगा ये, 12 टाइम्स ऑफ 7 बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, ये पूरा 0 हो जाएगा 7 बाय 3 डाला तो, 8 टाइम्स ऑफ 0 प्लस b टाइम्स ऑफ कितना दिया, 2x दिया ना, सो 2 टाइम्स ऑफ 7 बाय 3 प्लस 9, ठीक है ना, सॉल्व किया इसको कितना मिलेगा, 93 अपॉन 41, ए मिल गया बी मिल गया, अब हम लोग ए वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है, तो देयरफॉर आई क्या था मेरा 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 इनटू 3x माइनस 7, इसकी जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ a अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b अपॉन 3x माइनस 7, तो आप ऐसा ले लो इंटीग्रल ऑफ 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9
इंटू थ्री एक्स माइनस सेवन डी एक्स, ये मिल गया हम लोगों को क्वेश्चन। अब इसका पार्शियल फॉर्म ले लेते हैं, इसका पार्शियल फॉर्म क्या था, इसका पार्शियल फॉर्म था ए अपॉन टू एक्स प्लस नाइन, तो ए कितना है मेरा, ए किधर है, 102 डिवाइड बाय 41 अपॉन 2x प्लस 9, ठीक है, प्लस b अपॉन, b कितना है मेरा, 93 अपॉन 41 डिवाइड बाय 3x माइनस 7 dx। अलग अलग कर लें इसको, कांस्टेंट बाहर निकाला, जैसे मैंने जैसे कांस्टेंट बाहर निकाला, 102 अपॉन 41 बाहर आ गया, क्या बचेगा इधर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 9 dx बराबर है, प्लस 93 अपॉन 41 जैसे कांस्टेंट बाहर आया, क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन 3x माइनस 7 dx। और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करो तो, ठीक है, नीचे फंक्शन और ऊपर क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 102 डिवाइड बाय 41, 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव 2 होता है, बैलेंस कर सकते हो आप, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, प्लस 93 बाय 41, क्या आएगा इसका आंसर, लॉग ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइड बाय 3, जो इसका बैलेंस था उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, डिवाइड बाय 3 प्लस फाइनली सी आएगा, ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना मिलेगा आंसर, 51 अपॉन 41 लॉग ऑफ 2x प्लस 9, 51 अपॉन 41 लॉग ऑफ 2x प्लस 9 प्लस 31 अपॉन 41 लॉग ऑफ 3x माइनस 7 प्लस सी, दिस इज आंसर। देखो समझ में आएगा सबको, एवरीवन, यस सर, 41 लॉग ऑफ 2x प्लस 9 प्लस 31 बाय 41 लॉग ऑफ 3x माइनस 7 प्लस, क्लियर, सबको समझ में आया पक्का, एवरीवन देख लो अच्छे से, समझ में आया सबको, आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन, सबको समझा, यस सर, यस सर, यस। तो कल लास्ट लेक्चर वाला ही मेथड था, बस हम लोग यहां पे इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फोर्थ सम का फैक्टर बताता हूं मैं, सॉल्व आप लोग करोगे, फोर्थ सम का मैं सिर्फ फैक्टर बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक है, हटा रहा हूं इसको, देन तो फोर्थ सम का मैं आपको फैक्टर निकाल के देता हूं, आप लोग ऐसे सेम सॉल्व करो उसको और आंसर निकालो, बात करते हैं फोर्थ सम का, सबका ध्यान होना चाहिए फोर्थ सम पे, क्या दिया फोर्थ सम में, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में दिया है 2x और डिनोमिनेटर में दिया है 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx, इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जब तक फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक हम लोग को लीनियर फैक्टर नहीं मिलेगा, फैक्टराइज करो कितना आएगा, 2x डिवाइड बाय, फैक्टर निकाल लो, डायरेक्टली निकल रहेगा फैक्टर इसका, यस सर, 3 सर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, यस यस, 4x और माइनस x, 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1, यस यस, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा, क्या बचेगा इसको सॉल्व किया तो आंसर इज 2x, नीचे माइनस लेने देते हैं, फैक्टर निकालते हैं, 4 आएगा 4 और माइनस 1, फैक्टर आएगा 4 और माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया, नाउ क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना आता है, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में 2x रहेगा ऐसे ही, डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या मिलेगा, यहाँ से फैक्टर निकाला तो एक मिलेगा x प्लस 4, x प्लस 4 मिलेगा और एक मिलेगा x माइनस 1 dx, ठीक है, ये दो फैक्टर्स मिलेंगे, अब इस माइनस साइन को आप कहीं पे भी भेज सकते हो, कहीं पे भी भेज दो माइनस साइन को और उस सम का फैक्टर चेंज कर लो, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान देना, 2x रहेगा ऐसे सेम, ये जो माइनस है ना इसको मैंने x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 4 क्या बन जाएगा मेरा, माइनस x माइनस 4 ना, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 को सेम रहने देते हैं, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो इसको मैं 1 माइनस x लिख सकता हूँ, 1 माइनस x dx, बोलो समझ में, माइनस साइन को बैलेंस किया मैंने, क्लियर है, समझा सबको ये, yes. अभी माइनस साइन एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स हो गया, कितने लीनियर फैक्टर है, दो, तो इसको क्या लोगे आप लोग, ए अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स, सॉल्व करो, ए और बी निकालो, इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ क्या आएगा।
ने बता दिया मेरे को आंसर चाहिए इसका, मुझे लगता है आंसर अच्छे से बताओ मेरे कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करो लेडीज ऑन में। तो क्वेश्चन जो है उसको लेंगे हम लोग a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन 1 माइनस x, a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन 1 माइनस x, a और b का वैल्यू निकालेंगे और बाद में उसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। निकालो इसका फाइनल आंसर कितना है बताओ। सर हो गया सर, बाकी सबका भी होने दो। ए और बी मिला देगा सबको कितना है, ए और बी 5/2 और 8/8 2/5 और 8/5 और b - 8/5 होई। फाइनली करो इसको, पुट करो वहां पे वैल्यू और लॉग लगा लो। सो याद रखना कि x प्लस 4 का लॉग सेम रहेगा लॉग ऑफ x प्लस 4, बट लॉग ऑफ 1 माइनस x जो है उसका साइन नीचे आएगा, 1 माइनस x का कोएफिशिएंट x का नीचे आएगा, x का कोएफिशिएंट माइनस 1 आएगा। ए और बी निकालने के बाद जब उसको अलग करोगे पार्शियल फॉर्म में तो आपको बी अपॉन 1 माइनस एक्स जो मिलेगा वो आपको 1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट आना पड़ेगा नीचे। सबका हो गया देगा, क्रॉस चेक करते हैं आंसर, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमको ए और बी मिलेगा, ए मिलेगा हम लोग को माइनस 8/5, ए मिलेगा माइनस 8/5 और बी मिलेगा हम लोग को 2/5। Yes. A मिलेगा -8/5 और B मिलेगा 2/5 ठीक है। तो जो पार्शियल फॉर्म रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको, A आ गया हमारा -8/5, B आ गया हमारा 2/5, हाई किया मैंने तो मेरा आंसर ऐसा आएगा I is equal to -8/5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 4 dx प्लस बी, तो बी कितना आएगा प्लस 2/5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डीएक्स। ये हो गया मेरा पार्शियल फॉर्म, रैशनल फॉर्म से पार्शियल फॉर्म। दोनों का आंसर बताएं मुझे, यहाँ पे कितना आएगा -8/5 लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, -8/5 लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 2/5 log of 1 minus x upon minus 1, तो minus 1 इसको चेंज कर देगा, तो minus plus, this is the answer, देखो आएगा ये, yes sir, सबको समझा ये minus कहाँ से आया, 1 minus x upon coefficient of x कितना था minus 1, तो minus 1 यहाँ पे balance हो गया, plus था ना plus 2/5 minus 2/5 हो जाएगा, this is the final answer, understood, वही last वाला step बताना था मुझे, so 1 upon 1 minus x का integration क्या होगा, log of 1 minus x upon minus 1, तो वो minus 1 यहाँ पे आ जाएगा, sign change कर देगा। क्लियर है सबको, आ गया आंसर समझ में पक्का ठीक है ना। सम नंबर 5 पे आते हैं, तो सम्स में आप लोग से मैक्सिमम कराऊंगा, सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों को करना है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर 6 का, सबका ध्यान होना चाहिए सम नंबर 6 पे। सम नंबर 6 में क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ऊपर क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डीएक्स। ऊपर और नीचे दोनों जगह डिग्री सेम है, तो बैलेंसिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बैलेंसिंग।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, ये भी सेम सम है, बस हम लोग को एक सब अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान देना है आप। जैसे ऊपर क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस फाइव, और नीचे लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, ऊपर नीचे बैलेंसिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई किया ना, वी कैन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं टर्म्स को न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, ये हो गया पहला टर्म इसका, प्लस इंटीग्रल ऑफ फाइव डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, क्लियर हो गया इतना, समझा। हम लोग ने ऊपर टर्म्स को ब्रेक डाउन किया ये और इसको अलग अलग किया, अभी आपको पता है कि ये सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, और यहाँ से आप फाइव कॉमन निकालोगे तब क्या बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, जिसका फैक्टर क्या होगा थ्री इंटू माइनस टू, तो हम लोग का फैक्टर ऐसा डायरेक्टली मिल सकता है, जो फैक्टर होता है उसको एक्स जोड़ देने का, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है, इसको दे देंगे मेन इक्वेशन वन, ठीक है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स, तो मेन इक्वेशन वन दे दिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, so let 1 upon x plus 3 into x minus 2 कितना हो जाएगा, ये a upon x plus 3 plus b upon x minus 2, आप फर्स्ट आगे पता है सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके a और b मिलेगा, a मिल जाएगा और b मिल जाएगा, a और b मिल गया तो आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा, इसको 1 में पुट करोगे तो आपका मेन आंसर आ जाएगा, चलो सॉल्व करो। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, तो 1 upon x plus 3 into x minus 2 is a upon x plus 3 plus b upon x minus 2, a और b निकलेगा, फिर पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेट लोगे, a और b का जो वैल्यू मिलेगा उसको यहां पे पुट करोगे मेन इक्वेशन वन में, चलो सॉल्व करो इसको और आंसर फाइनली मैं बताता हूं कितना आएगा। सर यहां को डिवाइड करके भी ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब ये इंप्रॉपर रैशनल फंक्शन है, नहीं समझा, बस बोलो क्या, नहीं समझ में, इंप्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना, तो उसको डिवाइड करके मतलब यही होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, इसलिए मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाता है वो, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके करोगे तो ये मिलेगा रिमाइंडर वन मिलेगा, क्वेश्चन वन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा फाइव अपॉन डिवाइजर, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वही बनेगा, समझा ना पक्का, यस सर, हम लोग डायरेक्टली कर लिया, आप जब डिवाइड करोगे आपको वही मिलेगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वही मिलेगा, करो सॉल्व करो, ए और बी का वैल्यू निकालो, उसको वहां पे पुट करो, बताओ कितना है, सर इसको ऐसा ना सॉल्व कर, ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब ये थर्ड टर्म निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं ना, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा अगर थर्ड टर्म निकाल के, नहीं ना न्यूमरेटर में 1 नहीं है ना, न्यूमरेटर में 1 होगा तो फॉर्म बनेगा ना, ओके यस सर, और नीचे दोनों परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, ट्राई करके देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यस सर, आप जो सोचो करेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है का वो इंपॉर्टेंट है, सर तो डायरेक्टली नीचे वाले को ब्रेक करके नहीं कर सकते वो x प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को, कर सकते हैं, आएगा उससे भी आंसर, हां सर उससे भी आंसर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाई कर सकते हैं, बट हम लोग फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, वो आप जो बोल रहे हो भी राइट है, 3.3 का फॉर्मूला लग जाएगा स्पेशल इंटीग्रल्स का, 1 upon x square minus a square, yes, ये और भी मिला,
Yes. Then a yes, 1 by minus 1 by 5. Or B. Solve the pura answer. Pura answer. Batao kitna aa raha hai. A kitna aa raha hai. B kitna aa Done, sir. Done, okay. Sir. Sir, A minus 1 है, B 1 है. A minus 1 by 5 आएगा और B 1 by 5 आएगा. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So, A आएगा minus 1 by 5 और B आएगा 1 by 5. So, इसको जो finally integrate करेंगे, तो I कितना हो जाएगा? I is equal to, यह हो जाएगा integral of 1dx plus pi को रहने देते हैं ऐसे बाहर integral of a upon x plus 3 तो a कितना आ गया मेरा minus 1 upon 5 x plus 3 dx फिर pi दूसरे टर्म का भी जाएगा plus pi integral of b upon x minus 2 dx ऐसा आएगा तुम अब बस इसको integrate करना है properly So I कितना हो जाएगा I is equal to integration of one कितना हो जाएगा x phi और phi cancel minus बाहर आ जाएगा minus log of x plus 3 minus log of x plus 3 phi phi cancel plus log of x minus 2 plus log of x minus 2 plus 3 ठीक है तो log का formula use करके इसको हम लोग solve कर सकते हैं x log a minus log b is log of a by b log of a by b कितना आएगा log of x minus 2 upon x plus 3 plus 2 जो आप बोल रहे थे ना वो यहाँ पे यूज हो सकता है दिस इज द फाइनल आंसर अंडरस्टूड एवरीवन समझा यस यस सर ठीक है तो log of x minus 2 upon x plus 3 हमने log का कांसेप्ट लगा दिया log a by log a minus log b ठीक है दिस इज सम नंबर 5th ध्यान देंगे आगे नेक्स्ट हम पे चलते हैं ठीक है हटा रहा हूं इसको मैं नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सम है ध्यान देना इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया था अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स रहेगा तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कैसे बनाते हैं डिवाइड करके इसको हम लोग कौन से फॉर्मेट में लेके आते हैं डिवाइड करके हम लोग लेके आते हैं क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मैं आपको हेल्प करता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग को पता है कि अगर f of x का डिग्री g of x से बड़ा है तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पहले हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना के तभी उसको हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते सो बात कर रहे हैं यहाँ पे सम नंबर 6 का सबका ध्यान रखना चाहिए सम नंबर 6 क्या दिया क्वेश्चन देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में है मेरे पास 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1dx आप देख सकते हो न्यूमरेटर में डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है न्यूमरेटर में डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है मतलब ये कौन सा फॉर्म है डिग्री ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा नोट लिखा के दिया था कि क्या होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है बट अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है बाई यूजिंग डिविजन तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले एक्चुअल डिविजन से सॉल्व करेंगे जिसको हम लोग लॉन्ग डिविजन भी बोलते हैं इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर ठीक है तो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लेके आओ सो न्यूमरेटर कौन है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ये मेरा न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर क्या है मेरा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x
माइनस वन, ठीक है, डिवाइड अच्छे से आना चाहिए। पहला टर्म कितना है 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 6x क्यूब, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो तो 6x क्यूब बनेगा, 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो तो 6x क्यूब बनेगा। इसका बहुत सिंपल आंसर है, इसका फर्स्ट टर्म लेने का और इसका फर्स्ट टर्म लेने का आपस में कट करने का कितना आएगा आंसर 2x, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर इनटू 2x कितना आ जाएगा 6x क्यूब, माइनस 2x इनटू 2x कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 1 इनटू 2x कितना आएगा माइनस 2x, यहां लिख दो उसको, ठीक है, डिवीजन में साइन चेंज होता है, प्लस था माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये टर्म गया, कितना हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, ऐसा मिलेगा हम लोगों को। अब 3x स्क्वायर को 9x स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर इनटू 3 कितना आएगा 9x स्क्वायर माइनस 2x इनटू 3 कितना आएगा माइनस 6x माइनस 1 इनटू 3 कितना आएगा माइनस 3, साइन चेंज करें यहां पे भी प्लस प्लस कट हो गया, ये 2x प्लस 6x कितना हो गया 8x माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 4, इसका आगे सॉल्व नहीं होगा, डिग्री छोटा हो गया, ठीक है। हम लोग रिमाइंडर, हम लोग क्वेश्चन कितना मिला 2x प्लस 3, रिमाइंडर कितना मिला 8x माइनस 4, और हमको पता है क्या करना है, अभी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कौन सा फॉर्म में लिखना है, अभी इसको लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 3, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मेरा 8x माइनस 4 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर कितना मेरा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1dx, बोलो समझा, ताकि आई आया ना, यस सर, यस सर। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा तो हम लोग को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कितना मिलेगा 2x प्लस 3 पहला पार्ट, ये मिला मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये मैंने फॉर्मेट लिखा के दिया था आपको, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3dx, 2x प्लस 3dx प्लस यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ 8x माइनस 4, नीचे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, फैक्टराइज करो इसको, दो टर्म मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे और फाइनल इक्वेशन वन में पुट करोगे, चलो सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज करो, दो फैक्टर मिलेगा, दो पार्शियल फॉर्म a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, लीनियर फैक्टर a और b निकाल के इंटीग्रेट करो इसको और फाइनल आंसर दो, सबको आता है इससे आगे, इससे आगे सिखाया मैंने, इसको नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं मुझे सर, आगे भी बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को आप फैक्टराइज करोगे, दो लीनियर फैक्टर आएगा वहां पे, तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर, दोनों लीनियर फैक्टर को सॉल्व करके a और b मिलेगा, a और b मिलने के बाद फाइनली इसको इंटीग्रेट करोगे और आंसर निकालोगे, सॉल्व करो अच्छे से इसको, चलो सेकेंड वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो, चाहिए 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन सबको आता है, सॉल्व करो अच्छे से, a और b निकालो, इंटीग्रेट कर दो सेकेंड वाले इंटीग्रल को, हम लोग स्टार्टिंग से वही सम कर रहे हैं, आज तक मैंने वही सम सिखाया था आपको, दो लीनियर फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, तो 8x माइनस 4 अपॉन फैक्टर क्या मिलेगा देखो, वो मेरे को लग रहा है फैक्टर का फैक्टर रहेगा माइनस 3 और प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1, यस सर, एक रहेगा माइनस 3 और एक रहेगा प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 को सॉल्व करना है बराबर,
लीनियर फैक्टर आएगा नीचे एक आएगा x माइनस वन और एक आएगा थ्री एक्स प्लस वन, x माइनस वन और थ्री एक्स प्लस वन पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके a और b निकालो। डन सर। डन सर। ए और बी कितना है? ए वन आया, बी फाइव आया। और बी फाइव आया। ए वन आया और बी फाइव आया ना? यस। इधर नीचे फैक्टर क्या मिला रहेगा इसका? नीचे फैक्टर मिला रहेगा एक एक्स माइनस वन और एक 3x plus 1 ना? 3x plus 1, yes. x plus 1. ठीक है? फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। देयरफॉर i इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 निकल के बाहर, x का इंटीग्रेशन x पर अपॉन 2, तो यहां पे सिर्फ x पर बचेगा। प्लस 3 बाहर निकल के इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज 3x, तो ये 2x plus 3 का इंटीग्रेशन आएगा x square plus 3x. प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए कितना बोला आपने? वन बोला, वन। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, और बी कितना बोला? फाइव। फाइव, फाइव बाहर निकल गया, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन डी। बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है? ये पूरा सम सॉल्व हो गया, इसका इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। कितना आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, कितना आएगा ये? लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस फाइव टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, अपॉन थ्री प्लस थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर। यही का देखो, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस फाइव बाई थ्री लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस वन प्लस, सिंपल सम था ये, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर सम था, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से ध्यान दे दे इसको, समझ के लो। अच्छे इधर उल्टा मिला, a 5 मिला और b 1 मिला, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ, आपने a और b को घुमा दिया रहेगा और कुछ नहीं। यस सर, आपने पार्शियल फंक्शन अलग लिया रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलेगा, इतना समझ में आया? यस सर। आपने a / 3x + 1 b / x - 1 ले लिया रहेगा, ऐसा कुछ ले रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। यस सर, तो उसे साइन में चेंज नहीं आता ना आंसर में? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्शियल फॉर्म में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, ए और बी तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। यस, नाउ सम नंबर 7, डैनिंग एक्सिस, सम नंबर 7, 7 सम क्या दिया है? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 12x square minus 2x minus 9 divided by 4x square minus 1 into x plus 3 dx. कितने पार्शियल फॉर्म, कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे? दो, एक और दो, दो पार्शियल फॉर्म है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, लेट क्वेश्चन क्या मेरा, लेट 12x square minus 2x minus 9
डिवाइडेड बाय 4x² - 1 इनटू x+3 इज इक्वल टू, दो लीनियर फैक्टर है, दो दो पार्शियल फॉर्म आ जाएगा इसका, तो एक आ जाएगा a अपॉन 4x² - 1 ये हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा b अपॉन x+3 ठीक है, एक आ जाएगा a अपॉन 4x² - 1 और दूसरा आएगा b अपॉन x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको सर, इधर थर्ड वाला फार्मूला लगेगा ना, क्वाड्रेटिक है ना वो? नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है वो, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, दो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा यहां से, ऐसा नहीं करना चाहता, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, अगर डायरेक्टली करना है तो ऐसा नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 12x² - 2x - 3 क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा नीचे, बी एक्स प्लस सी नहीं है ना, ठीक है ना, ये लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर है, इसको आप तोड़ के कर सकते हो, 2x + 1 2x - 1 ऐसा भी कर सकते हैं इसको, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो, ठीक है, मिल गया ये इक्वेशन वन, इसको हम लोग इक्वेशन वन बोलेंगे। आपको पता है क्या करना है, आपको लीनियर फैक्टर्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग 4x² - 1 को जीरो पुट करेंगे, सो पुट 4x² - 1 इज इक्वल टू जीरो, that is x² 1/4, that is x = 1/2 in equation 1, आता सब अच्छे से, इतना 4x² 1 हो जाएगा, x² 1/4 हो जाएगा, x 1/2 हो जाएगा, तो x = 1/2 डालते हैं in equation 1, तो जैसे 1/2 डाला, x का वैल्यू कितना मिलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, x का वैल्यू हम लोग 1/2 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, 1/2, तो भाई करूंगा थोड़ा मैं यहाँ पे, 12 × 1/2 + 1 कितना आएगा 1/4, -2 × 1/2 कितना आएगा 1 - 9 आपको माइनस हाफ, ए कितना मिलेगा माइनस हाफ, ए का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, ठीक है अच्छे समझ में आ गया, नहीं माइनस आपने आया गलत हो गया, 7 कैंसिल, एक हो जाएगा -2, अब दूसरा क्या है हमारा x+3, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट x+3 को 0, x+3 को 0 डाल रहे हैं, दैट इज क्या डाल रहे हैं, x = -3 डाल रहे हैं यहां पे इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू -3 डाल रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 12 × -3² 9 हो जाएगा, -2 × -3 + 6 - 9 = a 0 हो जाएगा मेरा, और b कितना हो जाएगा -3² 4 × 9 36 - 1 = 35 ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 12 × 9 = 108 108 + 6 कितना आएगा 114 114 - 9 कितना आएगा 114 - 9 105 35 तो b मिलेगा आपको -3 तब b मिलेगा 3 a मिल गया b मिल गया, क्लियर है सबको यहाँ तक, इतना समझ में आ गया ना, यस यस, देयरफॉर i क्या बनने वाला है मेरा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहला a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू -2 आया, -2 बाहर निकालो, सो -2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x² - 1 dx, आपका स्पेशल इंटीग्रल लगेगा यहाँ पे 1 अपॉन x² - a² प्लस b अपॉन b कितना मेरा 3 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 + 3 dx यहाँ पे आपका लॉग लग जाएगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है, सॉल्व करो इसको अच्छे से, आंसर निकालो, सबको आता ही है, इधर हम लोग परफेक्ट को बनाएंगे इसको, 2x² - 1 -2 × 1 क्या हो जाएगा ये 2x² - 1² dx और ये हो जाएगा +3 × 1 / x + 3 dx पूरा सॉल्व करो, मेरे को आंसर चाहिए, इधर पे स्पेशल इंटीग्रल लगेगा 1 अपॉन x² - a²
पूरा सॉल्व करना, आधा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व करना। डन सर, क्लियर हो गया सबका आंसर? यस। तो आपको चाहिए होता तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, इस फोर को बाहर निकाल सकते थे और इसको क्वाड्रेटिक बना सकते थे। क्या बन जाता था ये? x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो 1 बाय 4 कितना होता है? हाफ का होल स्क्वायर। कितना होता है इसका आंसर? माइनस हाफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था? 1 अपॉन 2a। तो 1 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है? हाफ। 1 अपॉन 2a log of x minus a upon x plus a, x minus a upon x plus a, ठीक है, plus 3 times of log of x plus 3 plus c, ठीक है ना। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाता था, आंसर कितना आता था? माइनस हाफ log of, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2x minus 1 upon 2x plus 1, 2 2 का कैंसिल, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस c इज आंसर। दिस इज आंसर। देखो समझ में आएगा, क्लियर है? समझे सबको? यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सिंपल सा समझा, ज्यादा हार्ड नहीं था। आ जाते हैं 8th सम पे। 8th सम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में 1 दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है x टाइम्स ऑफ x रेज टू 5 प्लस 1। नो, ये कोई लीनियर फॉर्म में नहीं दिख रहा हम लोग को, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे ना बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ऐसे सम्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। तो I इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में दिया है x into x raise to 5 plus 1, x into x raise to 5 plus 1। तो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है तो x raise to 5 का डेरिवेटिव लेना है। तो x raise to 5 को अगर मैंने t ले लिया यहाँ पे, put x raise to 5 को t, अगर x raise to 5 को t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 5 टाइम्स ऑफ x raise to 4 dx is equal to dt, ठीक है? तो ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को 5 टाइम्स ऑफ x raise to 4 ऊपर लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा, therefore x raise to 4 dx is equal to dt by 5, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को ऊपर x raise to 4 लेना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर x raise to 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी x raise to 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x और x raise to 4 आपस में मल्टीप्लाई कितना आएंगे? x raise to 5 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए सबको अच्छे से, ठीक है? तो ऊपर नीचे मुझे x raise to 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ मिलेगा। नाउ न्यूमरेटर जो है x raise to 4 dx, वो तो पूरा डेरिवेटिव में जा रहा है,
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये पूरा डेरिवेटिव में जाएगा, क्या आएगा इस तरीके पे 1 अपॉन dt / 5, सो dt यहां पे लिख लिया, 1 अपॉन 5 यहां पे लिख लिया, तो 1 अपॉन 5 x कितना है मेरा x = 5 t आएगा, और x = 5 + 1 कितना आएगा t + 1। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो या तो बैलेंसिंग कर दो, देखो तो बैलेंसिंग इज करता तो मैं बैलेंसिंग कर लूंगा, जैसा आएगा बैलेंसिंग 1 अपॉन 5 को रहने देंगे ऐसे, इंटीग्रल ऑफ ऊपर क्या कर रहा हूं देखो मैं t + 1 - t, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, t + 1 - t 1 ही हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा t ब्रैकेट t + 1 dt, अलग-अलग करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आंसर 1 अपॉन 5 इंटीग्रल ऑफ t प्लस 1 अपॉन t, t प्लस 1 कितना आएगा 1 अपॉन t dt माइनस ये 1 अपॉन 5 इसका भी है, इंटीग्रल ऑफ t का कैंसिल 1 अपॉन t प्लस 1 dt, क्लियर है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है इसका, क्या आएगा इसका आंसर 1 अपॉन 5 log ऑफ t माइनस 1 अपॉन 5 log ऑफ t प्लस 1 प्लस c, क्लियर है, 1 अपॉन 5 कॉमन निकाल के सीधा सीधा इसको मैं लॉग ए माइनस लॉग बी कर सकता हूँ, सो 1 अपॉन 5 कॉमन निकाला क्या बचेगा अंदर लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1, लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1 प्लस, सो 1 अपॉन 5 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए बाय बी, लॉग ऑफ ए बाय बी कितना होगा टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, और टी मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं था इसको ओरिजिनल वैल्यू डालो कितना आएगा 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ t कितना है मेरा x raise to 5, और नीचे कितना आएगा t t plus 1 कितना आएगा x raise to 5 plus 1 plus c, this is answer, understood everyone, देख लो समझ में आया everyone, yes sir, yes sir, yes sir, एकदम simple सा है, देख लो अच्छे से, ठीक है, now move करेंगे हम लोग 10th sum के सीधा, sum number 10, नाइन्थ में आपको अच्छे सिखाया पहले भी एक्सपर को टी लेंगे, टेंथ में क्या करते हैं हम लोग, टेंथ में क्वेश्चन क्या मेरा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या दिया नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन है मेरा। अब आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था सेकेंड सम, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को टी लेने वाले, तो फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू पुट x स्क्वायर को t, और जैसे मैंने x स्क्वायर को t लिया क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा t प्लस 3 t माइनस 1 t माइनस 2 dt, बस सॉल्व कर लो इसको भी, a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 2, सॉल्व करके फैक्टर्स निकालो ओरिजिनल वाले पुट करके लॉस का फॉर्मूला लगाओ, करो सॉल्व अच्छे से, सिखाया मैंने सेकंड सम प्रीवियस लेक्चर में, तो फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी आर पुटिंग x स्क्वायर को t, x स्क्वायर को t पुट किया तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा t + 3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा t - 1 * t - 2, करो सॉल्व अच्छे से इसको, इसका आंसर निकालो, x स्क्वायर को t ले लिया मैंने तो न्यूमरेटर हो जाएगा t + 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा t - 1 * t - 2, लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू पुट x स्क्वायर को t, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू पुट x स्क्वायर को t, a और b मिलेगा, a और b मिलने के बाद आपका आंसर हो जाएगा a अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, फिर आपको फॉर्मूला पता ही है स्पेशल इंटीग्रल्स का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 upon x square plus a square, सब पता ही आपको, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा सीधा, नंबर 10 है ये, ठीक है, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव पुट x स्क्वायर को t, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन x स्क्वायर को t लिया मैंने, मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा t + 3 अपॉन t - 1 * t - 2,
और बी मिला किसी को? सर ए माइनस फोर बी फाइव मिला। यस सर ए माइनस फोर बी फाइव। ए माइनस फोर और बी फाइव ठीक है। तो आपका आई क्या बन जाएगा? ए माइनस फोर, माइनस फोर इंटीग्रल ऑफ माइनस फोर इंटीग्रल ऑफ टी माइनस वन डी टी प्लस फाइव इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी माइनस टू डी टी। ओरिजिनल वैल्यू पुट करोगे इसका, माइनस फोर इंटीग्रल ऑफ ओरिजिनल वैल्यू क्या आता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस फाइव इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू डी। इसका स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है दोनों का, ठीक है आराम से कर सकते हैं सॉल्व। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कन्फर्म करो बड़ा, समझे सबको पक्का? वन अपॉन एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वहां पे भी सेम फॉर्मूला। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को टी डालते हैं और बाकी हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है सबको, समझ में आया एवरीवन? तो होमवर्क क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री से लेके क्वेश्चन नंबर टेन तक, इतने हम सॉल्व करने आपको, क्वेश्चन नंबर थ्री टू क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर थ्री से लेके क्वेश्चन नंबर टेन तक जितने भी सम्स है वो कवर करने आपको, ठीक है? एक्सरसाइज 3.4 का मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे 11 सम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।